हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे फिनो बैंक का सीएसपी। अगर आपके पास है, अगर आप फिनो सीएसपी लेके काम कर रहे, फिनो एपीएस आप यूज कर रहे, तो आपको एक एपीएस रजिस्टर चाहिए, एक ट्रांजेक्शन रजिस्टर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अभी जो एनपीसीआई का गाइडलाइन है, अगर उसको देखेंगे तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? कैश रजिस्टर चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे, अगर आपको कैश रजिस्टर चाहिए तो कैश रजिस्टर कैसा होना चाहिए, और आप इस बुक कहां से ले सकते, कितना कॉस्ट है, कितना पेज है, कितना कस्टमर का डिटेल्स आप एंट्री कर सकते, सारे चीज आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। स्क्रीन में जो हमारा जो बुक है, एक फिनो कैश रजिस्टर है। इसमें क्या है, पहले तो यहाँ पर आप सीएसपी आईडी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, आपका जो सीएसपी है उसका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो शॉप है, शॉप को अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो ये बुक आपको चाहिए ही चाहिए। ये फिनो वाला जो है, इसमें आप देख सकते कितना अच्छा क्वालिटी का पेज यहाँ पर है, और कितना पेज है वो भी बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 200 पेज है, ठीक है, टोटल 200 पेज है। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते, मोस्ट जो एनपीसीआई का गाइडलाइन है उसमें दो चीज मेंशन होना चाहिए। आपने जो ट्रांजेक्शन किया, आपने कोई कस्टमर का कैश विड्रो किया या कैश डिपॉजिट किया, आईएमपीएस किया या बैलेंस चेक किया, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो उसका रिकॉर्ड के लिए देखिए, ज्यादातर जो कैश रजिस्टर है वहां पर आप ओनली हैंड राइटिंग से लिख सकते, बट वहां पर ये जो कलम है, हमारा पास जो कलम है, एक और कोई बुक में नहीं मिलेगा, हमारा बुक में ही मिलेगा सक्सेस और फेल, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, कैश रजिस्टर में ये होना ही चाहिए। एनपीसीआई का गाइडलाइन अनुसार में आपको ये चीज होना चाहिए, सक्सेस और फेल। अगर आप कोई कस्टमर का कैश विड्रो किया तो वो सक्सेस है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, फेल है तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर आप एंट्री कर सकते, यहाँ पर आप सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, यहाँ पर बैंक नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अगर आप कस्टमर का कैश डिपॉजिट किया तो यहाँ पर लिखिए, कैश विड्रॉ किया तो यहाँ पर लिख दीजिए। ट्रांजेक्शन स्टेटस, अगर कस्टमर का आप विड्रॉ किया और वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है तो यहाँ पर सक्सेस में टिक कर दीजिए, अगर आपने कैश विड्रॉ किया बट फेल है उसको यहाँ पर टिक कर दीजिए। आरएन नंबर मेंशन करना जरूरी है, ये होता है आपका ट्रांजेक्शन नंबर, आपने जो कैश विड्रो किया या ट्रांजेक्शन फेल हुआ उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर कैश विड्रो सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पर आप कस्टमर का सिग्नेचर लीजिए या थंब लीजिए। एक लाइन में कर सकते हैं, 25 कस्टमर का एक डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस बुक में 200 पेज है, इस बुक में 200 पेज है, 200 पेज में आप कम से कम 10,000 से ज्यादा कस्टमर का डिटेल्स आप इस बुक में एंट्री कर सकते हैं। बुक का प्राइस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वही से आप देख सकते हैं बुक का प्राइस क्या है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो वही से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रीन में एक नंबर है उसमें व्हाट्सअप करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये फिनो वाला है, हमारा पास हर बैंक का ये जो एपीएस कैश ट्रांजेक्शन रजिस्टर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एपीएस कैश ट्रांजेक्शन रजिस्टर आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन में नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो एपीएस कैश रजिस्टर का डेमो था, अगर आपको अच्छी लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए।